नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल, आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। शहडोल जिले की बुढ़ार उप जेल में एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साजिद खान नामक यह कैदी कुछ ही माह पहले सरेंडर किया गया था और जेल में बंद था। इस मौत के बाद कैदियों ने जमकर हंगामा किया। इस घटना से जेल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक जिस स्थान पर यह घटना हुई वहाँ कैदी पहुँचा कैसे, यह बड़ा सवाल सामने आ रहा है। हालांकि जेल अधिकारी पूरे मामले की जांच की बात कह रहे हैं। फिलहाल इस घटना के बाद एक जेल प्रहरी व एक गार्ड को निलंबित कर दिया गया है। शहडोल जिले के बुढ़ार उप जेल में आज सुबह एक कैदी की जेल परिसर में बैरक में नंबर 3 में 4 के बीच बनी बालकनी में गमछे से झूलती लाश मिली। जानकारी लगते ही जेल प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी के बाद मौके पर जेल अधीक्षक सहित SDM, SDOP व तहसीलदार मौके पर पहुंच गए। वहीं उप जेल में बंद कैदियों ने इस घटना के बाद हंगामा मचा दिया। कैदियों ने जेल प्रशासन पर कई आरोप भी लगाए हैं। दूसरी तरफ मृतक कैदी के परिजन भी हत्या की बात कहते हुए आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस घटना से जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। बनवाने के लिए बोल रहा था जिला साहब, कहा साहब हमारे मुस्लिम धर्म में ये नहीं लगता है, हम गाड़ी नहीं बनवाएंगे। उसने कहा कि साहब मेरे मजहब में माँ बेटी का गाली देता है, किसी बंदी को यहाँ कोई समस्या है, समझे अपने समस्या साहब अगर नहीं जाते हैं तो सीधा गाली देते हैं माँ की। नहीं, जो ये फांसी लगाया क्यों लगाया, कैसे लगाया, प्रताड़ित के कारण। कौन प्रताड़ित करता है, जेलर से प्रताड़ित करता है, किस तरह के प्रताड़ित करता है, हर प्रकार के प्रताड़ित करता है, खाने से लेके दवाई से लेके हर चीज से लेकर प्रताड़ित करता है। कुछ बता रहा था जेल के बारे नहीं, मैं बोली कुछ परेशानी तो नहीं है बेटा, तो बोले कुछ परेशानी नहीं है, मैं बोली खाना पीना खा लिए, तो बोले हाँ मैं सुबह खा लिए हैं, अब खाएंगे खाना दोपहर में, बोले अगली शनिवार को आना मुलाकात करना तो कपड़ा भेजा देना, मैं बोली ठीक है बेटा। बच्चे क्या नाम है, साजिद खान। उम्र कितनी रही होगी, 26 साल। 26 वर्ष। आज बुढ़ार उप जेल में एक कैदी ने सुसाइड कर लिया है, क्या है प्रॉब्लम? बुढ़ार उप जेल में आज सुबह एक कैदी साजिद के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। यह थाना बुढ़ार के ही 1, 287, 307, 325 के मामले में 9 जून को गिरफ्तार होकर जेल भेजा गया था। प्रकरण में अभी जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो गई है। बॉडी जेल से शिफ्ट करके मॉर्चुरी में पहुंच गई है, वहां उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पूरे प्रकरण की जुडिशियल इंक्वायरी के दौरान ही ये बात प्रकाश में आ सकेगी कि क्या एक्चुअल रीजन क्या रहा है, किन परिस्थितियों में घटना हुई है। फिलहाल पुलिस सतर्कता से पूरी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है और पूरे प्रकरण पर अपनी समीक्षा कर रही है।